हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछले वीडियो में आपको बताया गया एक्सरसाइज 2.2 में, इसके पहले आपको जो है बताया जा रहा था कि बहुपदों के गुणांकों और जो है शून्यकों में संबंध कैसे निकालेंगे, या पहले शून्यक कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन उनके बीच में जो है संबंध की कैसे जांच करेंगे, तो वो आपको जो है बताया गया। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं, ये कैसे इनको जो है अप्लाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको आज बताया जाएगा। कल हम आपको फॉर्मूले बताए थे कि कैसे जो है रैखिक बहुपद में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, द्विघात बहुपद में कैसे करेंगे और त्रिघात बहुपद में कैसे करेंगे, और ये भी बताया था कि रैखिक बहुपद में जो है वो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक। रैखिक बहुपद में चूंकि उपस्थित चर राशि की जो घात होती है वो एक होती है, इसलिए उसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक। और जो है जो द्विघात बहुपद आपका होता है, द्विघात बहुपद में जो है उपस्थित जितने जो शून्यक होते हैं वो दो होते हैं, क्योंकि जो द्विघात बहुपद है उसमें आपको जो है एक्स के दो मान प्राप्त होते हैं, तो इसके दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में हमेशा दो ही शून्यक, अधिकतम दो शून्यक होते हैं। और जो है त्रिघात जो बहुपद है उसमें तीन होते हैं, क्योंकि जो है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तीन। तो जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने आप शून्यक होते हैं। तो कल वाले में आपको रैखिक बहुपद में जो संबंध आपको बताया गया था, वो अगर कोई रैखिक बहुपद ax प्लस बी है तब उसमें जो शून्यक निकालते हैं वो होता है, अगर शून्यक उसका m है तो m इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो है, और द्वि ये जैसे ध्यान दें, यहाँ पर कोई ax प्लस बी है, ये शून्यक है, तो इसमें जो ये बहुपद है तो इसमें अगर शून्यक निकालेंगे, शून्यक क्या होता है, यक्स का मान, और इसको जीरो के बराबर करके कैलकुलेट करते हैं बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले ax निकालेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, और यक्स निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, और अगर शून्यक को हम m कैलकुलेट कर लेते हैं तो माइनस बी अपॉन ए हो जाता है, जो यही आपको कल बताया भी गया है। ये तो बात रही रैखिक बहुपद की, और जो है इसके बाद द्विघात बहुपद में जो बताया गया था, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। द्विघात बहुपद अगर आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड सी, और इसके जो है शून्यक मान लिए गए थे कि क्या है, अल्फा एंड बीटा, तब शून्यकों का योगफल यानी मूलों का जो योगफल था वो किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणनफल था वो किसके बराबर था, सी अपॉन ए। ये द्विघात बहुपद के लिए बताया गया था। और शून्यक का मतलब होता है मूल, जो भी द्विघात बहुपद के हैं वो मूल होते हैं। तो यहाँ पर जो है गिवन है, मान लिए गए थे कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों का जो योगफल, या मूल कह सकते हैं या शून्यक कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो कल आपको बताई गई थी। तो यहाँ पे जो मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणनफल है मूलों का वो होता है सी अपॉन ए। ए बी सी जहाँ पर क्या है, दिए गए बहुपद के गुणांक हैं, तो गुणांक और शून्यक अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको बताया गया था। ए बी सी जो है ये बहुपद के गुणांक हैं, अल्फा और बीटा ये बहुपद के मूल या शून्यक हैं। तो ये द्विघात बहुपद की बात रही। त्रिघात जो बहुपद था उसको आपको बताया गया था, ध्यान दें, त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था वो आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बताया गया था, और इसके तीन शून्यक माने गए थे यानी मूल माने गए थे, अल्फा बीटा और गामा, इनको अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया था कि तीनों मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, एंड तीनों मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा इन गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। जो ए बी सी डी है ये है त्रिघात बहुपद, ए बी सी डी जो हैं ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक, और अल्फा बीटा गामा इसके क्या कहलाएंगे, मूल या शून्यक। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होंगे या तीन मूल होंगे, और द्विघात में दो, और रैखिक बहुपद में एक। तो चलिए,
ये इतना आपको कल बता दिया गया था, आज आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, यानी कि सत्यता की जाँच करनी है। तो वो कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपके 8 पार्ट दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, जो कि हम आपको पहला पार्ट सॉल्व करा रहे हैं, बाकी के पार्ट आपको अपने आप से जो है ट्राई करने हैं। यदि किसी पार्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो जो है आप पूछते रहिए ग्रुप में। तो यहाँ पर जो है इसके पहले आप फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको बताया गया है कि अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से पहले क्या करेंगे, गुणा यानी कि 8 × 1, तो ये हो जाएगा 1 × 8 = 8। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 2, तो 8 के फैक्टर कर लीजिए। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 होता है। अगर 4 में से 2 हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 2, यानी कि ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं 8 के जिनका अंतर कितना आना चाहिए 2। तो चलिए यहाँ पर जो है लिखते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 को लिखेंगे 4 − 2x −8, तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2x हो जाएगा −8 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x कॉमन कर देते हैं, देखिए 4 पद बन गए हैं, पहले दो में x कॉमन कर देंगे तो x −4 प्लस 2 कॉमन कर देंगे तो x −4, पूरे में कितना कॉमन है x −4 और बचेगा क्या, जब x −4 पूरे में कॉमन कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए, जब बहुपद के आप शून्यक निकालेंगे तो x −4 का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4, और जो है तथा इसका भी मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा, x +2 = 0, तब यहाँ पर x = कितना हो जाएगा आपका −2। तो इस तरह से आप पहले जो है दिए गए बहुपद के गुणनखंड कर लेंगे और शून्यकों के लिए जो भी गुणनखंड आएंगे उनको 0 के बराबर अलग अलग करके x के मान निकाल लेंगे। जो x के मान आएंगे वही जो है दिए गए बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान दें क्या होगा, अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा यहाँ पर हो जाएगा आपका, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, अल्फा बराबर हो जाएगा 4 एंड बीटा = हो जाएगा −2। अब ये तो हमने शून्यक ज्ञात कर लिए, अब गुणांक ज्ञात करते हैं पहले। तो गुणांक कैसे निकालेंगे वो ध्यान दें, तो गुणांक के लिए दिए गए बहुपद को जो है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, अगर आप करते हैं तुलना तो ध्यान दें x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 1 और वहाँ पे कितना है a, तो a बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो है x का गुणांक है −2, वहाँ पे x का गुणांक है b, तो यहाँ पे b बराबर −2 हो जाएगा, और वहाँ c के स्थान पे यहाँ −8 लिखा हुआ है, तो c = −8 हो जाएगा।
तो अब इसके बाद आप जानते हैं द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। तो शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा और बीटा यानी कि 4 अल्फा का मान और प्लस यहाँ माइनस 2 है बीटा का मान बराबर माइनस बी की वैल्यू कितने निकाले हैं माइनस 2 अपॉन ए, ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/1 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा यानी 2 = 2। इसके बाद मूलों का जो गुणनफल था यहाँ लिखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = वो होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2, इन दोनों को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है बताइए, ये आपको माइनस 8 दी गई है। देखिए यहाँ c का मान माइनस 8 अपॉन 1, 4 दूनी 8 माइनस है तो माइनस 8 बराबर ये माइनस 8, यानी कि ये भी दोनों बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो यहाँ पे जो है ये इतना हो गया है। इसके बाद जो है कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में आपको लिखना है, क्या लिखना है वो ध्यान दें। तो देखिए दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, योगफल निकाल रहे हैं तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो रहा है और गुणनफल निकाल रहे हैं तो सी अपॉन ए के बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में अतः बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो बराबर हैं तो सत्य हैं, तो इस तरह से जांच कर लेंगे। तो एक बार फिर से आप समझ सकते हैं जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसके आप पहले गुणनखंड कर लीजिए फिर शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए दोनों गुणनखंडों को जो है 0 के बराबर करके यक्स के मान निकाल लेंगे, जो भी यक्स के 2 मान आएंगे वो अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तब बहुपद की तुलना आप ax² + bx + c से कर देंगे और ए बी सी के मान निकाल लेंगे यानी गुणांक निकाल लेंगे दिए गए बहुपद के। उसके बाद मूलों का जो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है तो इनके सबके मान रख दो, दोनों अगर साइड बराबर हैं तो संबंध सत्य है और गुणनफल में भी अल्फा इंटू बीटा = होता है सी अपॉन ए। तो इसमें भी आप मान रख दोगे तो ये भी आपका जो है दोनों साइड बराबर हैं, तो इसमें भी जो है गुणांकों और शून्यों के बीच में जो है संबंध क्या है सत्य है। तो इस तरह से पहले के आप सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर किसी पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तब आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दें। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसमें आपको 2 नंबर में जो दिया गया है इसमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल है दिए गए हैं। तो इसका एक सूत्र है वो हम चलिए इसी में बता देते हैं। तो पहले पार्ट में आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, वो कितना दिया गया है पहले वाले पार्ट में दिया गया है 1/4 और -1। तो यहाँ पर जो है 1/4 और -1 यानी 1/4 जो दिया गया है ये शून्यकों का योगफल है और -1 जो दिया गया है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ लिखेंगे यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं
यदि बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं तब प्रश्नानुसार जो दिया गया है हमें वो क्या दिया गया है, ध्यान दें, वो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यानी मूलों का योगफल 1/4 और गुणनफल जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये आपको दिया गया है। तो ये प्रश्न में ही दिया गया है कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल जो है दिए गए हैं, तो योगफल और गुणनफल, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान दें तब द्विघात बहुपद जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आप उसका फॉर्मूला जो होता है द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के, एक वास्तविक संख्या जोड़ देंगे यहाँ पे k, तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे स्मॉल के यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा के, ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है हमें 1/4, और यक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा के, ध्यान दें ये हो जाएगा आपका के 4x², ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस यक्स माइनस 4 और टोटल 4 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं के 4 4x² माइनस यक्स माइनस 4, ये लिख सकते हैं और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और जहां आप लिख सकते हैं के कोई वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो इस तरह से आप जो है इसको लगा सकते हैं। इसके और भी पार्ट हैं, इसके 6 पार्ट हैं टोटल, और सब में आपको जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। जो भी द्विघात बहुपद है उसका जो फॉर्मूला है वो है के, आप एक कॉन्स्टेंट जो है यहाँ के यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब है मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दी गई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके और सभी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट में कोई भी समस्या है तो वो आप पूछते रहिए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है हमें, यदि अल्फा और बीटा, देखिए पहले क्वेश्चन के जो है 8th पार्ट है, उसका पहला पार्ट हमने आपको बता दिया है, टोटल 8 पार्ट हैं उसमें, और पहला पार्ट हमने आपको बता दिया है, बाकी 7 पार्ट अपने आप से सॉल्व करने हैं, और सेकंड पार्ट में आपके टोटल 6 पार्ट हैं जिसमें मैंने एक ही पार्ट आपको बताया है पहला, और बाकी अपने आप से कर सकते हैं इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आसान है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो आप जो हैं बताइएगा, पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड क्वेश्चन है, वो हमें दिया गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें यहाँ पर जो तीसरा है वो हमें द्विघात बहुपद fx दिया गया है, द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है। तो यहाँ पर हमें गिवन है द्विघात बहुपद, fx इज इक्वल टू गिवन है ax² प्लस bx
प्लस सी, ये हमें गिवन है। चूँकि इसके शून्य कौन कौन से दिए गए हैं, अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि जो है एफ एक्स के शून्यक यानी बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं, अतः या इसलिए शून्यकों के योगफल का एक सूत्र आपको बताया गया है। सूत्र क्या, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए होती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है आपको 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा टोटल अपॉन हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, और टोटल नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए माइनस अगर हम कॉमन कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, नहीं तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का, ओ सॉरी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं, ये रूट ऑफ हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4α इंटू बीटा लिख सकते हैं, टोटल अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ से जो है पुट कर दीजिए, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4α इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए, और टोटल अपॉन सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो इसी में केवल आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए टोटल अपॉन सी अपॉन ए हो जाएगा, और इसमें ए स्क्वायर एलसीएम जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल अपॉन ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए हो जाएगा, और ये उलट जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए अपॉन सी, तो ए से ए कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और ये आपका टोटल हो जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल अपॉन सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस, इसके और 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, बाकी आप अपने आप से सॉल्व करिए। इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।